কি বলছো বলো শিবাস আরেকবার হ্যালো গাইস আর ये सनसेट भी कितना खूबसूरत है ये ढाबा पे कभी मत आना ये ऑक्टोपस बोल सच में बहुत बुरा है ठीक है यहाँ पे मत आइए हेलो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ कैरावन फ्लोर एक्सप्लोर तो जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट यू विल नेवर मिस अवर क्रेजी एक्सप्लोरिंग वीडियोस तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं लास्ट ब्लॉग में बोला ही था कि हम लोगों का एक बड़ा सा रोड ट्रिप होने वाला है तो अभी बज रहे हैं सुबह का 3:50 तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कुछ बोलेंगे ये ट्रिप के बारे में हाँ डेस्टिनेशन तो बाद में पता चलेगा ठीक है अब जर्नी स्टार्ट करते हैं रास्ते में हम लोग रास्ते में बात करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे तो लेट्स गो बहुत सारा पैकिंग वगैरह हो गया है अभी बैग सारा हम लोग गाड़ी में लोड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी लोड हो रहा है गाड़ी में राइट तो गाड़ी में लोड हो रहा है चलिए हम लोग मिलते हैं गाड़ी में मैं स्टार्ट कर दिया अपना जर्नी जा रहा हूँ गाड़ी निकालने गैरेज पे तो आप देख रहे हो कितना सुनसान रास्ता है सुबह सुबह के अभी बज रहे 4 मेरा दो दोस्त उसका फैमिली के साथ वेट कर रहे हैं कल्याणी एक्सप्रेसवे में तो वहाँ पे मुझे मिलना एक्चुअली था 4 बजे लेकिन मैं थोड़ा सा डिले हो गया हम लोगों का क्योंकि आपको तो पता ही है पूजा चल रहा है तो रात को कल तो दशमी था तो हम लोगों का विसर्जन वगैरह भी था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया कल तो हम लोग उतना देर भी नहीं 15 मिनट्स लेट है तो चलिए मेकअप कर लेते हैं उतना तो प्रॉब्लम नहीं होगा तो गाड़ी निकलने के बाद आप लोगों से बात करता हूँ चलिए तो गाइस हम लोग अभी टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन स्टार्ट कर दिया है तो हम लोगों का जो दो फ्रेंड्स का फैमिली जा रहा है उसके साथ मीटअप पॉइंट मैंने रखा है कल्याणी एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट में क्योंकि वहां से हम लोग सिलीगुड़ी का ओर बढ़ेंगे क्योंकि एक्चुअली हम लोगों का डेस्टिनेशन है नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ बंगाल में कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको कल का ब्लॉग में पता चलेगा लेकिन आज हम लोग का डेस्टिनेशन है सिलीगुड़ी तो वो लोग अभी रास्ते पे ही होंगे अभी तक पहुँचे नहीं मैं जो पॉइंट बोला हूँ ऑन द वे है हम लोग तो चलिए वहाँ पे जाके हम लोग मीट करते हैं उन लोगों से चलिए थोड़ा रास्ते का मज़ा लीजिए अभी सुबह सुबह रास्ता बहुत खाली होता है और बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है क्योंकि कोई नहीं रहता है ना अंधेरे अंधेरे सवेरे सवेरे रास्ता बहुत अच्छा होता है तो लेट्स गो एंड एंजॉय द रोड तो हम लोग का मीटावाज हो गया ये देखिए गाइस ये आयशा ये है तन्मय ये है सुबो ये है सिंजिनी और ये है तुम कौन हो शिवांस तो हम लोग का ये तीन गाड़ी है एक है ये स्कॉर्पियो एन और एक है ये XUV 500 और एक तो आप मुझे पता ही आप लोगों को तो चलिए हम लोग आज निकल पड़े हैं सिलीगुड़ी के लिए सो ऑलरेडी डे हो गया दिन तो हो ही गया तो लेट्स गो रास्ते पे मिलते हैं अब हम लोग जाएंगे कहीं पे चाय पीने या फिर ब्रेकफास्ट करने तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट पॉइंट में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कहाँ पे करता हूँ और क्या क्या हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं चलिए
गाइज हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए एक जगह पे आए हैं जो है यारादा ढाबा, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। और हम लोगों का ये तीन गाड़ी इधर पे खड़े हैं। तो ये है, ये नवोग्राम का और मोरग्राम का बीच में एक जगह है, एनएच 12 में ही है। तो हम लोग जहाँ पे एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने वाले थे पप्पू ढाबा, आज वो बंद था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कनेक्टिंग ढाबा जो है ये रोड पे, ये बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग, मतलब लिमिटेड नहीं है, है लेकिन उतना आपको अच्छा एक एमिनिटीज़ और आपको रिफ्रेशमेंट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आएंगे तो ये बहुत नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे आप लोगों को वॉशरूम वगैरह भी अच्छा मिलेगा। तो मैं इसका भी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर अगर कुछ होगा तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इन लोगों का खाना कैसा है। चलिए हम लोग खाने के लिए ऑर्डर करते हैं और देखते हैं क्या खाना है। तो हम लोग लिए हैं आलू का पराठा, ये देख सकते हो, और रोटी सब्जी हम लोगों का आ रहा है, एक है पूरी सब्जी। कैसा लगा आपको? अच्छा था, गुड। सिंजिनी आपको कैसा लगा? ये पराठा था ना, आलू का पराठा। ऐसा आप बोलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुकर्णा तुम बोलो। मैं ऑलरेडी चिली का अचार खा रहा हूं। अच्छा, मैं तो रोटी और सब्जी लिया हूँ, ठीक है। और आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। अच्छा था, आप लोग आइए, ये ढाबा बहुत अच्छा है सच में, आ सकते हो आप लोग। खाना वाना सब कुछ हो गया, बहुत खा लिया, कितना ज्यादा मोरी खा रहे हैं हम, बहुत पेट बहुत भर गया। लेकिन हाँ, सच में इन लोगों का खाना बहुत अच्छा है। सो आप लोग जब भी सिलीगुड़ी आएंगे कोलकाता से, यहाँ पे होते हुए आना, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ का एम्बियंस भी अच्छा है, देखिए एसी भी था। फैमिली लेके या फ्रेंड्स को लेके आप इधर से क्रॉस करोगे तो इधर पे आ सकते हो। तो हम लोगों का तो आज ब्रेकफास्ट हो गया था वहाँ पे, तो अभी तो हम लोग करीबन 2 घंटे और भी आ गए ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो रास्ता जो है वो पहले थोड़ा खराब था। एक्चुअली फाड़क्का का पहले तक थोड़ा ख़राब था, फाड़क्का के बाद से थोड़ा इम्प्रूव हो गया रास्ता। तो वो जो ढाबा था वो सच में बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी दोपहर का अभी 12 बजने वाला है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि लंच कहाँ पे करें। तो मेरा जो एक दोस्त है वो शायद एक ढाबा ट्रैक करके रखा है, उसी में ही शायद हम लोग करेंगे। तो वो शायद हम लोग पहुँचते शायद एक डेढ़ बज जाएगा। तो हम लोग का सिलीगुड़ी पहुँचते करीबन 4 तो इधर दिखा रहा है, तो लंच के लिए आप 1 घंटा पकड़ लो एक्स्ट्रा, 5 बजे। हाँ, 5 बजे तक हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे। और हम लोग कोशिश करते हैं कि सिलीगुड़ी पहुंचने का पहले आपको टी गार्डन का एक ड्रोन शॉट दिखाएंगे। और इवनिंग टाइम में बहुत अच्छा भी लगता है, देखते हैं क्या कैसा सिचुएशन रहता है। और आज वेदर भी थोड़ा अच्छा ही है, इम्प्रूव हुआ है। थोड़ा दिन पहले भी बहुत, मतलब बादल बहुत ही थे, मौसम हाँ क्लाउडी था, अभी तो मौसम बहुत खराब था, अभी तो थोड़ा इम्प्रूव हो गया मौसम। जी थोड़ा नहीं, बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, पूरा सनी वेदर है। टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा है अब, बाहर का टेम्परेचर नहीं, अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं तो पता नहीं है, डेस्टिनेशन तो हम लोग कल ही रिवील करेंगे, आज तो रिवील नहीं करना है। पहाड़ पे जा रहे हैं, हाँ वो सही है, कि बिना पहाड़ का तो हम लोगों का एक्सप्लोर कुछ होता ही नहीं है, वो तो पता ही है आप लोगों को। वी बोथ आर माउंटेन पर्सन, यस, हम लोग बने ही हैं पहाड़ के लिए, पहाड़ में ही रहते हैं, फिर पहाड़ में ही घूमने जाते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि बोर नहीं हो जाते हो तुम लोग क्या, कि सारा दिन पहाड़ ही दिखते हो? हम बोलते हैं कि नहीं, पहाड़ ही तो लाव है, प्यार है। एक्चुअली पहाड़ में जाने का एक अच्छा चीज जो है वो है ठंड, जो वेदर है वो वेदर में हम लोगों का मूड बहुत फ्रेश रहता है, ये एक सबसे मतलब बड़ा रीजन है। साइड भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली अच्छा है, पसंद नहीं है, पहाड़ थोड़ा ज्यादा पसंद, पहाड़ थोड़ा ज्यादा पसंद है। हम लोग अभी लंच करेंगे, तो एक ढाबा मिला हम लोगों को,
ऑक्टोपस ढाबा बोल के एक ढाबा है, तो पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ये हम लोगों का ये किशनगंज जाने के पहले ये पड़ता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कैसा है और आप लोगों को बताएंगे कि इसका खाना अच्छा ही लग रहा है। हाँ, अंदर जाके देखते हैं कैसा है और खाना भी खा के आप लोगों को बोलेंगे कैसा है। चलिए, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे रुका। पार्किंग भी इधर पे सेफ है, देखिए तीन गाड़ी अच्छे से पार्क हो गया। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। की बोलछो, बोलो शिवांश, अरे एक बार हेलो गाइस। गाइस, हम लोगों का अभी लंच खत्म हुआ, लेकिन मैं बोलूँ एकदम घटिया लंच था। ठीक है, यहाँ पे एकदम मतलब मैंने सोचा था कि अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है। हम लोग का खाना तो पूरा वेस्ट ही गया, तो ये दो दिन का पुराना खाना दे दिया हम लोगों को, तो हम लोग ये आइसक्रीम खा के काम चला रहा है। ठीक है, ये देखिए गाइस, और एक रिव्यूअर आ गया, वर्स्ट, ये कभी मत, ये ढाबा पे कभी मत आना, ये ऑक्टोपस बोल, सच में बहुत बुरा है। ठीक है, यहाँ पे मत आइए, क्या बोले। तो चलिए हम लोग अभी सिलीगुड़ी में जाके मिलते हैं। तो अभी हम लोग अचानक से एक बहुत अच्छा लोकेशन ढूंढ निकाला है, जो है एक टी गार्डन, तो जस्ट सिलीगुड़ी घुसने का पहले। तो अब तक तो हम लोगों का ट्रिप बहुत ड्राउजी चल रहा था, तो अचानक से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने का एक मतलब मौका मिल गया हम लोगों को। तो चलिए आपको मैं ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, लेट्स गो। शांतन को देखो क्या कर रहा है। होम पॉइंट अपडेटेड। अननोन लोकेशन है, देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये सनसेट भी कितना खूबसूरत है। ड्रोन शॉट एंड ऑल हम लोग ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। चलिए देखते हैं होटल कैसा है, अकोमोडेशन कैसा है, उसका भी कुछ वॉक अराउंड हम लोग देंगे। हाँ। लेकिन आज शायद से हम लोग बहुत टायर्ड है, आज शायद से नहीं दे पाएंगे, हो सकता है हम लोगों का नेक्स्ट जो ब्लॉग है डे टू उसमें हम लोग दे देंगे। हाँ। और आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे सिलीगुड़ी आने का जो अभी रोड है जो कोलकाता से सिलीगुड़ी, उसमें थोड़ा सा मतलब खराब है, जो हम लोगों का शायद नहीं फड़क्का के बाद से, एक्चुअली डालखोला के बाद से थोड़ा सा अभी पैचेस वगैरह रिपेयर हो रहा है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखते हुए आइएगा जब भी गाड़ी लेके या बाइक लेके आप लोग आइएगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आइएगा कि ये रोड्स में क्या है ना, आपको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एक बड़ा सा गड्ढा आ जाता है बीच में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस। और अभी हम लोग एक टी गार्डन पे, आप तो गए, आप तो देख ही लिया है ड्रोन शॉट्स, तो ओ फिलहाल बहुत ही टायर्ड है। और हम लोग आज जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब हम लोग होटल में घुसे और थोड़ा सा रेस्ट ले, क्योंकि सुबह हम लोग 4:15 निकले थे या 3 हम लोग सो के उठे थे। हाँ। तो 4 से लेके अभी तक जैसा अभी टाइम हो रहा है 4:30, मतलब टोटल 12 hours and 30 minutes हो चुका है मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और हम लोग ब्रेक दो ही लिए, एक ब्रेकफास्ट का एक लंच का। लंच तो एकदम घटिया था, ब्रेकफास्ट तो चलो बहुत अच्छा था, वो तो मैं आपको ढाबे का लिंक वगैरह सब दे दूंगा, लेकिन लंच हम लोग जो किया था वो मैं लिंक दूंगा भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो ढाबा मतलब नाम से ही बेकार है। ठीक है, इसलिए आप लोग उधर मत ही जाइए, तो हो गया। और आज हम लोग जाके अभी रेस्ट वगैरह करेंगे, और हो सकता है तो मैं वीडियो अगर एडिट कर सकता हूँ तो करूँगा, और फाइनली ब्लॉग अपलोड करूँगा। तो आप लोग ये ब्लॉग देखिए, आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। कल से हम लोगों का थ्रिल स्टार्ट हो रहा है, तो होल्ड ऑन, क्योंकि कल से एक नया जर्नी भी शुरू हो रहा है।
और कहाँ का कहाँ जा रहा हूँ right. ये सब कुछ का भी सस्पेंस है बहुत सारा सस्पेंसेस है, तो ये मैं डे टू का ब्लॉग में आप लोगों को बोलूंगा। चलिए आज हम लोग आज चलते हैं होटल में और आपको होटल का एक जस्ट वॉक अराउंड शॉट दिखा देंगे, लेकिन होटल का अंदर में आपका पूरा इन डिटेल शॉट सब नहीं दे पाऊंगा मैं, तो इसीलिए आज छोड़ दीजिए, मैं कल का ब्लॉग में ये चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। Exactly. तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, तो हम लोग होटल में जाके ही आपको दिखा देंगे कैसा होटल है और पार्किंग स्लॉट कैसा है, बाकी कल कल ब्लॉग में आ रहा है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज ब्लॉग। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं शिलीगुड़ी बागडोगरा पे। इधर हम लोगों का होटल है, होटल का नाम है ऑर्बिट होटल बागडोगरा। तो चलिए देखते हैं कैसा है, मतलब थोड़ा ही दूर है इधर से, तो हम लोग आ ही गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर होगा, तो हम लोग बुकिंग किया था ऑनलाइन से फोटोज वगैरह देख के exactly. अच्छा ही था और पार्किंग वगैरह, क्योंकि हम लोग का 3 गाड़ी है ना तो पार्किंग का इशू था, और ये पूजा के बाद जो टाइम था ये टाइम पे बहुत सारा रश भी था, तो ये होटल हम लोग को ऑलमोस्ट फुल बुक था, तो हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करके ये वाला होटल हम लोग को मिला है एक्चुअली। तो चलिए होटल पे हम लोग जाते हैं और वहाँ का वॉक अराउंड आप लोगों को दिखाते हैं, लेट्स गो। लेकिन यही प्रॉपर्टी दिखा है एक्चुअली, तो यही है ऑर्बिट साइड में होटल है, ऑर्बिट होटल बागडोगरा जहाँ पे हम लोग घुस रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कि इधर होर्डिंग लगा हुआ है ऑर्बिट होटल का। हाँ, पार्किंग स्पेस अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारा कार पार्क हो सकता है इसका, और वहाँ पे वॉशिंग एरिया भी है पार्किंग, ये अच्छा है, पार्किंग एरिया में कार भी वॉश कर सकते हो आप लोग, ये सच में बहुत अच्छा है। देखते हैं कि रूम्स वगैरह ये सब कैसा है। तो ये जैसे घुसते ही यहाँ पे रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन से आके यहाँ पे लिफ्ट है, तो हम लोग का है 3rd फ्लोर। चलिए चलते हैं। तो ऐसा है यहाँ का रूम, मैं आपको एक रूम का वॉक अराउंड देता हूँ, आप लोग देखिए। ठीक है, तो ये है रूम, आप देख सकते हो कितना अच्छा रूम है, बेड है, ये यही है आपका टीवी, ये हम लोग का लगेज है, और इधर पे एक वार्डरोब है, इधर पे बैठने का एक सोफ़ा टाइप का दिया गया है, इधर पे एक स्टडी टेबल या टी टेबल जो भी आप बोल सकते हो, और यहाँ से व्यू है। ये देखिए हम लोगों का 3 गाड़ी, तो इधर से हम खोल भी सकते हैं इधर इसको, और ये देखिए व्यू बहुत बढ़िया है। यूजुअली नो डाउट हम लोगों का जो प्राइस एक्चुअली है वो प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। ये आप वॉशरूम भी देख सकते हो कितना अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, गीज़र वगैरह सब है, और नहाने का जगह भी अलग से दिया गया है। ये है बेसिन और ये है मिरर। तो मैं वॉक अराउंड अच्छे से दे दिया। ये होटल का जो लिंक है और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो कल सुबह हम लोग बागडोगरा से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे एक डेस्टिनेशन पे, हिल स्टेशन पे, जो आप लोगों को मैं ब्लॉग 2 में ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग बहुत टायर्ड है, आज पूरा रिलैक्स करने वाले हैं, तो आज का ब्लॉग इधर ही हम लोग ख़त्म करते हैं, क्या तुम क्या बोलते हो? चलो, बहुत टायर्ड है हम दोनों ही, हम दोनों सिर्फ नहीं, जितना लोग जितना आए भी है, सब लोग टायर्ड है, और जो बच्चा था वो तो सो भी गया राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।